सो वेलकम टू लिसिट थीसिस गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे आयरन डोम। सो आयरन डोम काफ़ी चर्चित हो गया है। व्हाट इज़ दिस आयरन डोम? ये चर्चित हुआ कैसे? सो गाज़ा ने जब इज़राइल पे अटैक किया, ओके, सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूज़ में जो टर्मिनोलॉजी रही वो यही थी, और ये था एयर डिफेंस सिस्टम, ओके, एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ इज़राइल। सो लेट्स से दिस इज गाज़ा, ओके, दिस इज गाज़ा, और यहाँ पर ये हो गया आपका, ये रफ स्केच है इज़राइल, इसको आप रियल कोई स्केच में समझ लेना। सो यहाँ से रॉकेट्स आ रहे हैं, और यहाँ पर ये लेट मी टेक दिस आयरन डोम, ये एक आयरन डोम बना है, यहाँ पर ये इन रॉकेट्स को इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर रहा है, और एक तरह से मैं कहूँगा एक कवच जैसा बन गया है अपने सिटीजन्स के ऊपर ही, ताकि अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके इज़राइल। सो इसी ये कवच जो है एक तरह का डोम है, डोम शेप में, सो इसी वजह से इसको आयरन डोम बोला जाता है। अच्छा, ये सिस्टम, ये एयर डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, ओके, कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है। सो तीन मॉड्यूल्स में ये काम करता है। पहला मॉड्यूल है इसका लॉन्चर, बीच में होता है बीएमसी, और यहाँ होता है रडार। बीएमसी कहते हैं बैटल मैनेजमेंट सेंटर, ओके। सो मान लेते हैं यहाँ से रॉकेट्स आ रहे हैं, तो रडार क्या करेगा, नहीं ये ब्लू कर लेते हैं, ये रडार जो है इसको डिटेक्ट करेगा, फिर अपना मैसेज, ये पहला मैसेज देगा इसको, बीएमसी को, दैट देर इज एन अटैक थ्रू अ रॉकेट, यहाँ पर पहला मैसेज देगा बीएमसी को। बीएमसी सेकंड मैसेज और इसे कमांड देगा अपने लॉन्चर को, ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इस लॉन्चर से निकलेंगे मिसाइल्स, जिन मिसाइल्स को कहा जा रहा है टैमर, TAMIR, टैमर। सो इसका कॉस्ट होगा अराउंड $80,000 फॉर वन यूनिट, और इसका, इस रॉकेट का एक यूनिट का कॉस्ट, वन यूनिट का कॉस्ट आता है $1,000। तो आप देख सकते हैं कि अटैकिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, वेर एज डिफेंडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अराउंड 80 टाइम्स है, राइट। अटैकिंग डिफेंडिंग कॉस्ट इज ऑलमोस्ट 80 टाइम्स द अटैकिंग कॉस्ट, ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो टैमर है इसको जब डिस्ट्रॉय करता है एग्जैक्टली यहाँ नहीं कर रहा है, हो सकता है ये रॉकेट यहाँ तक आ जाए, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, तो एक तरीके से एक ये ऐसा ग्राफ सा बन जाता है, तो इसी, ये जो पूरा शेप है इसको डोम बोला जाता है, और इसी ये एक तरह का प्रोटेक्शन है फॉर द सिटीजन ऑफ इज़राइल। आपने देखा होगा कि कई फोटोग्राफर्स वीडियोस बना रहे थे इस दौरान, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन्हें ये बिलीव था कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, इसकी एक्यूरेसी क्या होती है इस आयरन डोम की? ऑलमोस्ट 90% एक्यूरेसी है, मतलब 1500 अगर आप कहें कि 3 दिन में अटैक हुए हैं, तो इस 1500 का 90% कितना हो गया, 135, ओके, 1350 रॉकेट्स इसने डिस्ट्रॉय कर दिए, तो इतना ज़्यादा बेहतरीन है ये डिफेंस सिस्टम, क्या आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटी है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर हर रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि कई रॉकेट्स अनपॉपुलेटेड एरिया में भी जा रहे होते हैं, तो उनको, उन पर अटैक नहीं किया जाता है, उन पर टैमर से अटैक नहीं किया जाता, ताकि ये कॉस्ट इफेक्टिव
कॉस्ट इफेक्टिव मेथड बने, सो इसलिए टैमिस से उन पर अटैक नहीं करते हैं हम लोग। तो ये यही है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। सो आयरन डोम ओके, इंडिया में S-400 सिमिलर प्रोसेस पे काम करता है, जिसे प्रोक्योर करने की बात चल रही है, वैसे अभी ख़रीदा नहीं गया है पर जल्दी हम ये खरीद लेंगे S-400। ओके सो सो नाउ आई रियली रियली रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा तो आप लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर आपको पसंद आया हो। और एंड आई वुड रियली वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई वॉन्ट यू सपोर्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। माय नेम इज़ हर्ष वर्धन।